How do we know? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? Students, Indian history के पिछले 250 सालों के इतिहास को जानने के लिए historians किन sources का use करते हैं? Administration produces records. One important source is the official records of the British administration. इतिहासकारों के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा तैयार करवाए गए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट. अंग्रेज ऐसा मानते थे कि प्रत्येक चीज को लिखना आवश्यक था. एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. वो ऐसा महसूस करते थे कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन को साफ साफ लिखना बहुत आवश्यक था. वंस दिस वॉज डन, ऐसा करने के बाद थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. चीजों को हम अच्छी तरह से स्टडी कर सकते थे और उन पर डिबेट की जा सकती थी. दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स. इस धारणा के चलते ही मेमोज नोटिंग्स और रिपोर्ट्स लिखने की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर की शुरुआत हुई. द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडिड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड. अंग्रेज ऐसा भी महसूस करते थे स्टूडेंट्स कि प्रत्येक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को संभाल कर रखना आवश्यक था. सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. इसलिए उन्होंने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिकॉर्ड रूम सेटअप किए. द विलेज तहसीलदार ऑफिस द कलेक्ट्रेट द कमिश्नर्स ऑफिस द प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स. इन सभी ऑफिसेज के अपने अपने रिकॉर्ड रूम्स होते थे. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स. इनके अतिरिक्त अंग्रेजों ने इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने के लिए विशेष आर्काइव्स और म्यूजियम्स भी सेटअप किए. लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर in the early years of the 19th century can still be read in the archives. Students, 19th shatabdi ke aarambh mein jo important notes ya letters ya memos ek branch se dusri branch mein bheje jate the unhe aap aaj bhi archives mein ja kar ke pad sakte hain. You can also study the notes and reports that district officials prepared. इसके अतिरिक्त आप जिला अधिकारियों के द्वारा तैयार करवाए गए नोट्स और रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स. इसके अतिरिक्त आप इन आर्काइव्स के अंदर उच्च अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को दिए गए आदेश या डायरेक्टिव्स इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. 19वीं सदी के शुरुआत में इन डॉक्यूमेंट्स की सावधानीपूर्वक कॉपीज बनवाई जाती थी जिन्हें कैलीग्राफिस्ट तैयार करते थे. स्टूडेंट्स, कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजों को लिखते हैं, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, सुंदर होती है. क्योंकि आपको पता है जब चीजें हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तब चीजों की बुक्स की हाथ से ही कॉपी बनवाई जाती थी. जो स्क्राइब्स बनाते थे, कैलीग्राफिस्ट बनाते थे, कैलीग्राफिस्ट मीन्स जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है. विद द स्प्रेड बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग
Multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. 19वीं सदी के मध्य में टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी थी और उस वजह से प्रत्येक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था उसकी प्रोसीडिंग्स की कई कई कॉपीज तैयार करवाई जाने लगी थी. सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. स्टूडेंट्स, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण करवाने की जो प्रैक्टिस थी वो भी कॉमन हो गई थी. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड. अंग्रेज ऐसा यकीन करते थे स्टूडेंट्स कि किसी इलाके पर या किसी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उसको अच्छी प्रकार जानना आवश्यक था. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेज करवाए जाने लगे, सर्वेक्षण करवाए जाने लगे. इन द विलेजेस रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड. गांव में रिवेन्यू सर्वेज करवाए गए, मीन्स राजस्व सर्वेक्षण करवाए गए कि पैसे कहाँ से आएंगे, इनकम का सोर्स क्या होगा, कितना होगा. द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सोइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फोना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न. ये सर्वे करवाए जाने का मकसद क्या था? उस इलाके की टोपोग्राफी के बारे में जानना, मिट्टी की क्वालिटी के बारे में जानना, द फ्लोरा, द फोना, वहाँ के जीव जंतुओं और वनस्पति के बारे में पता करना, द लोकल हिस्ट्रीज, स्थानीय इतिहास की जानकारी लेना और क्रॉपिंग पैटर्न को जानना था. ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन. क्योंकि किसी भी इलाके पर शासन करने के लिए इन बातों को जानना आवश्यक था. फ्रॉम द एंड ऑफ द 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी टेन ईयर्स. 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना शुरू करवा दी. जनगणना मीन्स सेंसस. सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स. दीज प्रिपेयर्ड डिटेल्ड records of the numbers of people in all the provinces of India, noting information on castes, religions and occupations. इन जनगणना के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाना, उनकी जाति, धर्म और व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती थी. There were many other surveys. बोटेनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज. इसके अलावा स्टूडेंट्स, अंग्रेजों ने वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण या सर्वेज भी करवाए.